बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। माय नेम अज़हर हुसैन। मैं आपको बीएस मैथमेटिक्स इंटर क्लास की पढ़ाऊंगा। तो हमारी आपका प्यारा सा चैनल द एक्सपर्ट एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि अगला फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लिमिट एंड फंक्शन, और फंक्शन हमारा मेन टॉपिक है जिसको समझने के लिए हम फर्स्ट कुछ टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं वो पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला कार्टीजन प्रोडक्ट है, कार्टीजन या क्रॉस प्रोडक्ट भी हम उसे कह सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो ए सेट और जो बी सेट लेते हैं वो नल सेट होने, नल सेट ना हो, ठीक है ना, इम्पटी सेट ना हो, क्योंकि अगर इम्पटी सेट इनमें से कोई एक हुआ तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगी। तो इसलिए ए और बी नल सेट ना हो। और लेट कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि ए सेट के एलिमेंट 1, 2, 3 है और बी सेट के एलिमेंट एक्स और वाई है। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे कि ए का पहला एलिमेंट उठाया, बी के साथ पहले एलिमेंट के साथ जोड़ा तो 1 और x हुआ, फिर 1 को उठाया, वाई के साथ जोड़ा, इसी तरतीब से ए क्रॉस बी हमें मिल गया। तो ये हमारी कार्टीजन प्रोडक्ट थे। अब आते हैं बाइनरी रिलेशन R। बाइनरी रिलेशन R से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली दी हुई है कि R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जो बाइनरी रिलेशन है वो सबसेट है कार्टीजन प्रोडक्ट का। इसके एग्जांपल्स, लेट आर वन, आर वन की जो मेंबर है वो है 1, x और 3, y। अब देखें ये 1, x और ये 3, y यहाँ पर मौजूद है, ये 1, x और ये 3, y, तो ये ए क्रॉस बी में मौजूद एलिमेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेयर R1 is a subset of A cross B, R1 A cross B का subset है, तो R1 is a binary relation, तो R1 क्या होगा, binary relation होगा। इसी तरीके से R2 लेट कर लिया है, जिसके मेंबर है 1, y, 2, x and 3, x, यहाँ पर 1, y, ठीक है, 2, x and 3, x मौजूद है, तो इसलिए हम कह सकते हैं R2 is a subset of A cross B, therefore R2 is a binary relation। इसी तरीके से R3 को उठाया, जिसके मेंबर 1 और x, 4, y है, और हेयर 4, y डज नॉट बिलोंग्स ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में 4, y नहीं है, जिसलिए जो हमारा R3 होगा वो सबसेट नहीं होगा ए क्रॉस बी का, इसलिए R3 इज अ नॉट बाइनरी रिलेशन। अब आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शन इज अ मैपिंग, एफ इज मैपिंग ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मींस फंक्शन बाइनरी रिलेशन होना चाहिए, वेयर ए एंड बी नॉन इम्पटी सेट्स। उसकी दो डेफिनेशन है फंक्शंस की, डेफिनेशंस से ही हम सीखेंगे कि फंक्शन क्या है। पहली डेफिनेशन है कि डोमेन इज इक्वल टू ए सेट, जो पहला सेट है वो एक्स भी हो सकता है, काफी बुक्स में एक्स है, तो वो डोमेन इज इक्वल टू ए, और एवरी मेंबर ऑफ ए इज यूनिक इमेज इन बी, और हर ए के मेंबर की बी के अंदर यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब देखिए इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं, और इस दूसरी डेफिनेशन को थोड़ा सिंपलीफाई भी करके लिखा है, एग्जांपल के जरिए समझेंगे। देखिए हमने एग्जांपल लिया, अब ये जो सेट है ये ए बी सेट है, ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है, अब जो ये मेंबर है 1, 2, 3 ये ए के मेंबर है, 1, 2, 3 यहाँ पर 1, 2 यहाँ पर 1, 2, 3 जो मेंबर यूज होंगे वो क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। यहाँ पर जो हमारे ए के मेंबर है 1, 2, 3 और डोमेन यहाँ पर ए के मेंबर 1, 2, 3 यहाँ पर दो यूज हो चुके हैं 1 और 2, तो ये कहलाएंगे डोमेन, और ये सारे ए के एलिमेंट, यहाँ पर ए के एलिमेंट 1 और 2 दोनों यूज हुए हैं तो दोनों डोमेन है। तो पहली डेफिनेशन को देखते हैं कि जो सेट डोमेन है वो ए सेट के इक्वल हो, यहाँ पर पहले ही में यहाँ पर डोमेन और ए सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तीन मेंबर ए के हैं और दो यूज हैं तो दो डोमेन के, तो यहाँ पर पहली कंडीशन इसमें फेल हो गई, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब दूसरे पे आते हैं, ये सेट हमारा ए, ये सेट हमारा बी है, यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है कि डोमेन इज इक्वल टू ए सेट, दो मेंबर डोमेन के दोनों यूज है, तो इसमें पहली कंडीशन वैलिड है। सारों में पहली कंडीशन चेक करते हैं, इसमें भी आते हैं पहली कंडीशन पे, यहाँ पर भी ए सेट और जो डोमेन के मेंबर है वो आपस में इक्वल है, तो ये भी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, यहाँ पर भी ए सेट और डोमेन के मेंबर इक्वल है तो यहाँ पर भी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, यहाँ पर भी ए और डोमेन सेट के मेंबर इक्वल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, और यहाँ पर भी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन पे,
सेकेंड कंडीशन क्या है, ये तो फर्स्ट में ही चला गया, एवरी मेंबर ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, ए का हर मेंबर बी की एक इमेज बना रहा है। तो यहाँ पर देखें, ए का एक मेंबर बी की एक मेंबर के साथ इमेज एक बना रहा है, यहाँ पर भी ए का एक मेंबर या डोमेन कह लें वो बी के एक मेंबर के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट सवाल करते हैं, सर यहाँ पर बी का एक मेंबर बच गया, यहाँ पर ए का बचा था तो कंडीशन फेल थी। यहाँ पर देखें कोई कंडीशन नहीं है कि जो रेंज हो वो बी के बराबर हो, ये कोई शर्त नहीं है, तो इसलिए इसका कुछ भी नहीं है। तो इस पे सेकंड कंडीशन वैलिड हो गई, हर मेंबर एक एक के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शन है। तो इस पे हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, तो सेकंड कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। देखें इसका भी यूनिक इमेज है, दो का भी वाई है, तीन का भी वाई है, लेकिन दो का यूनिक इमेज, थ्री का भी यूनिक इमेज है। यहाँ पर देखें इसका यूनिक, वन का यूनिक इमेज है एक्स के साथ, पर टू का यूनिक इमेज नहीं है, टू के दो इमेज है, टू का वाई भी हुआ, टू का जेड भी हुआ। अब ये कंफ्यूजन लगते हैं, तो इसको मैंने कहा था ये छोटी डेफिनेशन है, मेनी टू वन मीन्स ज्यादा मेंबर से एक की तरफ जा सकते हैं। ये देखें ज्यादा मेंबर है, दो से एक की तरफ जा सकते हैं, ये भी देखें दूसरा लिखा हुआ है, वन टू थ्री ज्यादा से एक की तरफ जा सकते हैं, एक मेंबर का एक इमेज, एक मेंबर का एक इमेज, तो ये फंक्शन है। तो देखें वन टू मेनी नहीं है, अब ये मेंबर जैसा एक थे वन टू मेनी था, एक से ज्यादा की तरफ जा रहा था, ये देखें इसके बहुत सारे हुए, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये भी फंक्शन नहीं है और ये भी फंक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ आज का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जो भी आपके क्यूरीज हैं वो बता दें। थैंक यू।